अरे ओ नमस्ते, इतना सब वही नहीं रहोगे? नमस्ते समधन जी, आपका स्वागत है, आइए। इतनी जल्दी समधन जी? बोलने से पहले सब कुछ तय तो होने देती। थैंक यू। कहाँ तक पढ़ाई हुई है तेरी? जी 12th पास हूँ। मेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड। तो फिर क्या सोचा है अपने साइली के लिए? शादी करने का वेनी, और क्या, इसी के लिए तो बैठे हम लोग यहाँ। शादी में बहुत सारी रस्में होती है, उसके बारे में क्या सोचा है ये पूछ रही हूँ मैं उनको भाऊजी। वो हम साहिली के लिए, इन्होंने अपने बेटी के लिए शादी में सोने के जेवर देंगे। जेवर तो सभी लोग देते हैं, लेकिन इसकी जिसके साथ शादी हो रही है उसको क्या दे रहे हैं और उसके घर वालों को क्या दे रहे हैं? दूल्हे के सूट के लिए 25,000 दे रहे हैं, और जो होगा वो देंगे वो। रेणु, अगले महीने की 8 तारीख शुभ दिन है, शादी के लिए एकदम उचित दिन है। जैसा आप ठीक समझे वो। मैं शादी के बाद भी अपने घर की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए कमाना चाहती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों आपको मना करूँगा, बल्कि अच्छी बात है, लड़कियों को तो काम करना चाहिए। आपको जब तक मना, आप काम करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, आपका खूब आभार। अभिनंदन। शुभकामना, शुभकामना। चलता हूँ भाई, आप परेशान मत होना, शादी की पूरी तैयारी मैं संभालूंगा, आप सिर्फ पापा का आशीर्वाद ले। खूब खूब आभार है तुमसे। आप जैसे एक दिल आदमी आजकल की दुनिया में बहुत कम मिलते। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा, चलता हूँ। कैसा लगा लड़का ताई? अब एक बार मिलने पे क्या बताओ तुझे जुगी? बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर, तो कर रही हूँ। जिसमें मेरा परिवार खुश है उसमें मैं भी खुश। उस साहिली को ना अपने गुलाम बना के रखना, ताकि पीछे से जो दो बहुएं आएंगी वो तुझसे डरे। घर की कमान हाथ में रखने का इससे अच्छा उपाय नहीं होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।